हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी प्रेशर कुकर में, जो कि बहुत ही कम तेल से और घर के सिंपल मसालों से ही बन जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने 1/2 लीटर ऑफ वाटर इसमें एक बाउल में ले लिया है, और हम अभी फ्लेम को जो है बिल्कुल सिम पे ही रखेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे, देखिए बहुत कम, 1/2 टीस्पून। एंड अब हम इसके अंदर जो हमने सोयाबीन लिया है उसको ऐड कर देंगे इसके अंदर। नाउ हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे अच्छे से, ताकि ये पूरा उसके अंदर इसका पानी और सॉल्ट जो है अच्छे से इस पे लग जाए और ये अच्छे से हो जाए सॉफ्ट। अब हम इसे ढक देंगे एंड गैस को। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारे जो सोयाबीन है वो पानी सोख लेते हैं, तब तक मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने 2 आलू लिए हैं और उन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है, क्यूब शेप में कट किया है। और ये हमने 2 प्याज लिए हैं और 2 टमाटर लिए हमने, इन दोनों को रफली चॉप कर दिया है। साथ ही हमने कुछ मिर्चियाँ और लहसुन लिया है, उसको हमने छील के कट कर दिया है। और मैंने लिया है यहाँ पे साबुत काली मिर्च और जीरा, जिसको अब हम भी ड्राई रोस्ट करेंगे। तो जैसे कि आप फ्रेंड्स देख ही सकते हैं, मैंने इस तवे को पहले से गरम कर रखा है। तो अभी हम इस पे ये इसे ड्राई रोस्ट करेंगे, काली मिर्च और जीरे को। देखिए हम अभी इसे ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि थोड़ा अब भुनने लगा है, तो हम इसे थोड़ी देर और भुनेंगे, अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, भुनने के बाद, ये ड्राई रोस्ट करने के बाद ऐसा हो गया है, ये इसका कलर ऐसा हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, अपना कुकर रखेंगे फ्लेम पे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने मटेरियल को जो है क्रश कर लिया है, लाइक हमने इसको भी पीस लिया है, टमाटोज़ को, जो हमने 2 टमाटोज़ को रफली कट किया था। एंड जो हमारा लहसुन, प्याज और मिर्च था, उन सबको हमने मिक्स करके चॉप कर लिया, अच्छे से क्रश कर लिया है। और जो हमारे भुने हुए ड्राई रोस्ट किए हुए साबुत काली मिर्च और जीरा थे, उसको भी हमने जो है कूट लिया है। तो अब हम फ्लेम पे कुकर चढ़ाएंगे और अपना रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने कुकर चढ़ा दिया अपने फ्लेम पे और इसमें हमने थोड़ा सा तेल डाला है। देखिए फ्रेंड्स, सोयाबीन ने पानी को सोख लिया, अब हम इसे पानी से निकाल रहे हैं। देखिए इसे अच्छे से निचोड़ निचोड़ के हम निकालेंगे। देखिए जैसे इसे निचोड़ा जा रहा है, देखिए। हाँ जी, अब इसे हम रख रहे हैं, ऐसे सबको निकाल लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इन सोयाबीन को जो हमने तेल डाला था कुकर में, उसमें थोड़ा सा जो है फ्राई कर लेंगे, हल्का सा हल्का सा। देखिए अब हमने इसमें ये डाल दिया है, डाल रहे हैं अभी हम इन सबको। देखिए अभी डल चुका है, अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, लाइट ब्राउनिश टाइप का। देखिए फ्रेंड्स कैसे है, ये हम कर रहे हैं मिक्स कर करके। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सोयाबीन को जो है भून के निकाल लिया है, और ये देखिए येलोइश सा कलर आ रहा है इसमें, एक ब्राउनिश सा आप देख सकते हैं। एंड अब हमने कुकर में थोड़ा और तेल डाल लिया है, एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने इसमें ऐड कर दिया अभी जीरा, अब हम इसमें फ्रेंड्स अपना जो हमने ये पेस्ट तैयार किया था, लहसुन मिर्च और प्याज का, उसे डाल देंगे। देखिए ये अभी हम मिक्स कर रहे हैं लगातार, देख सकते हैं आप। वाओ, इसकी खुशबू अभी से ही आने लगी है, बहुत अच्छा आ रहा है फ्रेंड्स, रियली। जो हमने पेस्ट ये रेडी किया है, इसकी खुशबू ही बहुत अच्छी है। अब हम इसे ब्राउन होने तक जो है भुनते रहेंगे। तो देखिए अभी भुन रहा है। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा प्याज भुन रहा है, एक गोल्डनिश कलर आ रहा है, तब तक तो हम आपको दिखा देते हैं इसके अंदर क्या क्या स्पाइसेस यूज़ होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ले लिया है, और हमने 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, और 1 टी स्पून हमने यहाँ पे धनिया मसाला ले लिया है, और ये किचन किंग MDH कंपनी का आता है, ये भी हमने 1 स्पून लिया है। अब ये टर्मरिक पाउडर है हल्दी, इसको हमने लिया है 1/2 टी स्पून। तो देखिए बहुत ही कम स्पाइसी स्पीशीज में बन जाएगा ये। अभी हमारा बस लगभग गोल्डनिश हो ही चुका है प्याज, तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारे ब्राउन गोल्डनिश था कलर इनमें आ गया है। तो अब हम इसमें जो हमने टमाटर वाला ये पेस्ट बनाया था, तो अब हम इसमें ये डाल देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कैसे ये हो रहा है।
बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स ये, कुकर के अंदर बन जाएगी। तो कुकर के अंदर आपको पता ही है प्रेशर कुकर में बहुत फास्ट जल्दी ये सब्ज़ी बन जाएगी। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है ये कंटिन्यूसली स्टिर हो रहा है ये। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमने नमक डाला है अपना जो हमने नमक लिया था, देखिए नमक इसमें जा चुका है। अब हम ये लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसके अंदर, वाओ ये भी जा चुका है। अभी नेक्स्टली हमारे पास ये धनिया पाउडर जा रहा है, धनिया पाउडर देखिए धनिया पाउडर भी चला गया है। ये हल्दी जो हमने हाफ टी स्पून ली थी वो भी अब इसके अंदर ऐड हो चुका है। एंड एट दी एंड हम इसे स्टिर करेंगे। देखिए ये मसाला अच्छे से भुन रहा है इसमें पूरी वेजीज में। देखिए अब हम इसमें डालेंगे किचन किंग MDH का जो मैंने आपको बताया था 1 स्पून। नाउ वी आर स्टिरिंग। देखिए देखिए फ्रेंड्स इसके मसाले का टेक्सचर देख सकते हैं आप कितना अच्छा है टेक्सचर, और इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे फ्रेंड्स ताकि इसका थोड़ा लटपटा सा आ जाए इसमें फ्लेवर। देखिए फ्रेंड्स अब हम इसको लो फ्लेम पर थोड़ा सा पकाएंगे ढक के। देखिए पानी डालने के बाद ये कैसा लग रहा है पूरा, वाओ कितना अच्छा है ये। देखिए अब हम इसे ढक के पका रहे हैं। ओके फ्रेंड्स अब ये पक रहा है। तो फ्रेंड्स अब हमने इसे पकने के लिए रखा था तो हम मसाले को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये पकने के बाद ऐसा कुछ लग रहा है, देखिए अच्छा हो गया ये, बहुत ही ज़्यादा पूरा फैल चुका है अच्छे से। अब हम 2 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे, अभी ये 2 मिनट और पकेगा। देखिए फ्रेंड्स तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम दोबारा मसालों को चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स वाओ व्हाट अ फ्रेग्रेंस। अब इस स्टेट में हम डालेंगे इसके अंदर जो हमने फ्राई किए थे सोयाबीन्स, जो हमने बहुत लाइट तेल में फ्राई किए थे उन्हें हम ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स सो नाउ वी स्टार्ट मिक्सिंग। जस्ट सी ऐसा लग रहा है ना फ्रेंड्स कुछ मंचूरियन टाइप का लग रहा है ना ये, जस्ट इसका टेस्ट आप जब बनाएंगे और टेस्ट करेंगे ना यू जस्ट फील इट लाइक मंचूरियन, बट हम इसे ग्रेवी वाला बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसे ढक देंगे, थोड़ा पकने देंगे इसे भी हम। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम इसको देख रहे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स अभी ये भुन चुका है। अब हम इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी भी डालेंगे। फर्स्टली हम इसके अंदर पोटैटोज ऐड करेंगे बिकॉज हमारी रेसिपी आलू और सोयाबीन की है। देखिए अब हमने इसके अंदर जो चॉप्ड कटे हुए वॉश्ड सोयाबीन थे उसे हमने ऐड कर दिया। जिससे अब हम इसको इसके रंग में घोल रहे हैं अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स पूरा मसाला इसमें लग चुका है, पूरी वेजीज जो सी। देखिए फ्रेंड्स जो हमने काली मिर्च और जीरा का हमने ये बनाया था हमने इसे क्रश करके उसे हम अब इस चीज़ में ऐड कर देंगे इसके अंदर। देखिए फ्रेंड्स धीरे धीरे स्वाद आ रहा है हर एक मसाले का जैसे कि आप देख ही सकते हैं। ये सारे घर के मसाले हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि सारे घर के मसाले हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। हमने क्रश किया है उसे साबुत काली मिर्च को, वो भी ऐसे ही हुआ है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको क्रॉप करके दिखाती हूँ। देखिए अब हम ग्रेवी के लिए इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो हमने 1 ग्लास पानी ऐड कर दिया इसके अंदर। देखिए फ्रेंड्स जितना हमें हम ग्रेवी का कोई ये इशू नहीं है कि हमने पर्टिकुलरली एक लिमिट में डालना है, जितना हमें नीड है उतनी हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब टोटली मैंने इसके अंदर इतना ही ग्रेवी मुझे चाहिए तो मैंने इतना ही इसके अंदर पानी ऐड किया है। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उतना ऐड करें। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे प्रेशर कुकर का और इसे अच्छे से फ्रेंड्स, और इसमें फ्रेंड्स 2 सीटियाँ हैं तब तक हमने इसको लगाए रखना है। 2 सीटियों के बाद हम इसे बंद कर देंगे। और फ्रेंड्स इससे में आप ढक्कन लगाने को ज़रा केयरफुल रहें। देखिए फ्रेंड्स 2 सीटी आने वाली है, अब हम गैस को बंद करेंगे। देखिए आने वाली है बस 1 2 3 एंड बस
आर यू योर फ्रेंड्स जस्ट आओ देखिए फ्रेंड्स, जब हमने जो है फ्लेम को बंद कर देंगे तो फ्लेम बंद हो जाएगा एंड अभी सीटी आ गई है तो अब हम इसे खोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको खोल के देखेंगे कि कैसी बनी है सब्जी। सो ओके, देखिए फ्रेंड्स खुल गए। वाओ, इसकी फ्रेग्रेंस फ्रेंड देखिए, एक तो ये प्रेशर कुकर है और इसके अंदर सब्जी ये बनी है, कितनी स्वादिष्ट लग रही है। अब देखिए मैं आपको क्रॉप जूम करके दिखा रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स एंड इट्स फ्रेग्रेंस इज जस्ट वाओ, नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। अब हम इसको निकालेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे सर्व करने के लिए। बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है ये हमारी आलू सोयाबीन की सब्जी, कुकर में बनी है एंड इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मींस ग्रेवी भी है हल्का एंड देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल अभी गरम गरम है। अभी हम इसके ऊपर कसूरी मेथी डालेंगे, ये भी MDH का ही है। देखिए कसूरी मेथी इसके ऊपर हमने डाल दी है एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि बाकी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की अपडेशन्स आपके पास तुरंत आती रहें। सो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।